फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडर, आप देख रहे हैं यूनिक्स विलन मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब कैसे हो? और बहुत दिन से आप सबकी एक क्वेरीज आ रही थी कि सर मैंने ऑटोकैड सीखा है बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। कई लोग बोल रहे सर मैंने ऑटोकैड सीखा ही नहीं, किस तरीके से चलाते हैं। कई लोग बोल रहे थे मैंने कई जगहों से ऑटोकैड सीख रखा फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, इंडस्ट्री में जाता हूँ ड्रॉइंग के टेस्ट होते हैं तो मैं फेल कर जाता हूँ, इस तरीके की कॉमन क्वेरीज आ रही थी। तो जितने भी लोग ऑटोकैड सीखना चाहते हैं वो लोग प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, जितने लोग नहीं सीखना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, ऐसा आपके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऑटोकैड सीखना चाहते हो तो बने रहिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों आप लोग ऑटोकैड के लिए जब भी कहीं जाते हैं तो ऑटोकैड में क्या होता है कि आपसे ड्राइंग बनवाई जाती है, मैक्सिमम वन व्यू ड्राइंग्स यानी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स बनवाई जाती है कैड टेस्ट वगैरह में, या फिर आपको दे देंगे कोई भी आइसोमेट्रिक की ड्राइंग और डिफिकल्ट ड्राइंग और उसको बोलेंगे इसको ड्रॉ करके दिखाओ, या कभी हो सकता है बोल दिए प्लान है लेआउट बना के दिखाओ, या फिर बीम का सेक्शन कट कर दिखाओ, कॉलम कर का सेक्शन दिखाओ कट करके, या कोई प्लान है उसका सेक्शन और एलिवेशन किस तरीके से दिखेगा ये पूछ सकते हैं आपसे, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। और अगर फ्रंट एंड लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है तो आपसे कुछ कमांड डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आपसे बोल सकते हैं डाटा एक्सट्रैक्शन क्या होता है, टेम्पलेट्स किस तरीके से लगाते हैं, प्रिंटिंग किस तरीके से कराते हैं, कौन कौन से पेपर साइजेस कौन कौन से हैं। और कई लोग जो थोड़ा और ज्यादा डीप में समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं आपको आता है कि नहीं, वो पूछते हैं कि सेंटर लाइन किस तरीके से ड्रॉ करोगे, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस तरीके से समझाने की कोशिश, वो पता करते हैं कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज है कि नहीं, टाइटल बार का साइज क्या होना चाहिए, A3 पेपर का साइज क्या होना चाहिए, या सॉरी क्या होता है पेपर का साइज, या फिर इस तरीके से रिलेटेड इंजन ड्राइंग्स में सेंटर लाइन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज क्या होता है। और उसके बाद और ज्यादा डीप में जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग कंटूरिंग कर रहे हैं तो कंटूरिंग में कौन से टाइप्स के लाइन टाइप यूज करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप लोग ऑटोकैड सीख रखे हो नो डाउट, आपने लाइन पॉलीलाइन सर्किल भी सीख रखा है नो डाउट, बट उनका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसे कितने लोग हैं, अभी हमने कोई प्लान नहीं किया है, जस्ट मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो कि अगर मैं ऑटोकैड की एक बैच स्टार्ट करूं वो सब पढ़ना चाहेंगे, नीचे कमेंट करना। अगर आपको ऑटोकैड इस लेवल का कि मींस आप एक्सपर्ट लेवल पर जाना चाहते हो ऑटोकैड में, मतलब प्लानिंग मिल गया तो फटाफट आप उसका सेक्शन एलिवेशन कट कर सको, उसका ऑटोकैड में आप कोई भी ड्राइंग है उसको ड्राइंग को फटाफट ड्रॉ कर सको, या फिर कोई भी ड्राइंग है उसका 3D ऑब्जेक्ट, मैं 3D आपको बहुत डीप में समझाने वाला हूँ, 3D में कोई मॉडल कंप्लीट करके किसी को देना, मान लो सामने वाली कंपनी में रैबिट है ही नहीं या 3ds Max है ही नहीं, फिर आप ऑटोकैड से ही कैसे उसको 3D बना के हैप्पी कर सकते हो क्लाइंट को, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ऑटोकैड के अंदर 3D में किस तरीके से यूज करते हैं, और इतना लेवल पे कि जहां पे ऑटोकैड खत्म होता है यहां तक तो कोशिश किया जाएगा। और साथ ही जैसे प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के टाइम पे भी कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वास्तु के बारे में बताइए, तो मैं उसी में डिस्कस करने वाला हूँ कि वास्तु के बारे में क्या क्या चीजें होती है। तो इसको पहले तो मैंने सोचा कि यार YouTube पे लेके आता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि यार YouTube पे लेके आता हूँ तो मुझे फोकस लोग नहीं मिलेंगे, मींस जिसको रियल में सीखना है वो लोग नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा है कि इसको मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग एक साथ कई लोग अटैच हो सकते हैं और एक साथ पढ़ सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ेंगे। और इसका अपने मींस कोई ये नहीं कि हम बिजनेस की वजह से कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको शेयर करना चाहते हैं नॉलेज, इसलिए मैंने कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखी, रखने को हम 4-5 हज़ार रुपये फीस रख सकते थे इसका, बट ओनली 800 रुपीज़ मैं सोच रहा हूँ फीस रखूँ। अब ये आपको बताना है कि आपको ये कोर्स सीखना चाहते हो, ये कंप्लीट सीखना चाहते हो, उसके बारे में कंप्लीट ऑटोकैड जानना चाहते हो, और इसमें अगर क्या बोलते हैं आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना कि हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ डीप लेवल पे। और अगर आप सिखा रहे हो तो आप लोग जिस तरीके से कमेंट करोगे मैं डेट फाइनल करूंगा। अभी मैंने ना कोई सिलेबस बनाया है, टू बी फैक्ट मैं जो बात करता हूँ आपको सबको पता है मैं बहुत देर से बात करता हूँ यार, उससे सच है मैंने कोई सिलेबस नहीं बनाया है। कई लोगों के व्हाट्सएप पे क्वेरीज आ रहे थे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा था रिप्लाई देने का, तो मैंने सोचा एक पूछ लेता हूँ कितने लोग हैं। और मेरा जो कोर्स लाइक एक टाइम ड्यूरेशन में क्यों रखना चाहता हूँ कि इसी टाइम पर हो, उससे क्या होगा लोग फोकस हो जाते हैं। फीस क्यों रखा मैंने, वो भी नॉमिनल फीस क्यों रखा मैं, क्यों नहीं 5 हज़ार रख दिया। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप इतना सस्ता रख रहे हो तो फिर उस क्या सिखाओगे, ऐसा नहीं होता है यार, मैं बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को समझो, बिजनेस के लिए मेरे पास दूसरे काम खुद के बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऑलरेडी वहाँ से बिजनेस कर सकता हूँ, मैं बिजनेस मैन ही हूँ, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ फोकस लोगों देखना चाहता हूँ, जितने लोग फोकस हैं ऑटोकैड सच में सीखना चाहते हो कमेंट करो यहाँ नीचे कि सर ऑटोकैड हमने सीखा है, तो भी अगर आप चाहते हो कि एक्सपर्ट लेवल पे, तो 800 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो होता नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 800 देना, और आई थिंक 30 डेज में मैं इसको कंप्लीट कर जाऊंगा, 30 डेज में आप एक्सपर्ट लेवल पहुंच जाओगे इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सिर्फ जितना मैं दूंगा ड्राइंग वर्क बुक्स, मेरे पास बहुत ढेर सारी मेरी खुद की ड्राइंग्स हैं,
मीन्स नियर अबाउट 50 ड्राइंग्स आपको मिलने वाले सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप बिलीव करो ऑटोकैड में आपको कोई भी इधर से उधर कर ही नहीं सकता है। और किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, कई लोग सोच रहे होंगे सर रैबिट का भी ऐसे स्टार्ट करो, रैबिट का भी इसी के बाद ही करूंगा, और लेकिन पहले मैं सोचा हूं कि ऑटोकैड, क्योंकि ऑटोकैड जो है ये बेस सॉफ्टवेयर है और इस बेस सॉफ्टवेयर में कोई बहुत बड़ा तो वो टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर सीखना है तो मुझे बता दो, मॉर्निंग का टाइम मेरे पास अभी 1 घंटे का फ्री होने वाला है, सो दैट मैं उसी टाइम पर रख दूंगा आपके लिए। तो आपको अगर आपका फ्यूचर बनाना है रिलेटेड टू ऑटोकैड या फिर स्ट्रक्चरल ऑटोकैड या फिर आर्किटेक्चरल ऑटोकैड या फिर आप कोई कंपनी में बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग प्लान बनाना चाहते हो, वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। सिलेबस भी मैं शेयर कर दूंगा, पहले आप लोग बताइए इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, सो दैट उसके बाद मैं सिलेबस तैयार करूँ कि हम लोग क्या क्या कंटेंट रखने वाले हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ उसी टाइम पे। अभी मैंने कुछ भी फाइनल नहीं कराया है और टू बी फैक्ट मैं एक सिर्फ और सिर्फ स्टैट और ईटैप पढ़ाता हूँ मैक्सिमम। मैं पहले ऑटोकैड पढ़ाता था लेकिन बहुत लोग कह रहे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है प्लान करते हैं 1 घंटे का। और फीस के लिए बिल्कुल भी मैं सोच रहा कि यार मैं फीस क्यों नहीं ज़्यादा ले रहा हूँ, ये बहुत लोगों के माइंड में रहता है, या फिर क्यों कम ले रहा हूँ। तो रीज़न ये है कि सिर्फ फोकस एम्प्लॉई चाहिए मुझे, जो फोकस है वो लोग सीखें तो ज़्यादा बेटर होता है। मैंने ऑटोकैड के लिए कई बार मैंने पूरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं यूट्यूब पे, आप सबको पता होगा कि मैंने सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं लेकिन बहुत कम लोगों ने उसको सीखा है। रीज़न क्या है, वहाँ पे फोकस नहीं बन पा रहा है, टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि भाई इसी टाइम पर पढ़ना है नहीं तो ये क्लास मिस हो जाएगी, ये ड्रॉइंग के बाद ये ड्रॉइंग पढ़ना है, ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं लोग कि इस ड्रॉइंग के बाद कौन सी ड्रॉइंग। अब हमें पता होता है कि इतनी कमांड पढ़ने के बाद ये ड्रॉइंग बनानी होती है, इतनी कमांड पढ़ने के बाद ये ड्रॉइंग, तो इस चीज़ का जो मेरा मोटो है वो सॉल्व हो सकता है इसमें। सो फटाफट कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर आप लोग बता देना। और अगर ये भी फीस आपको ज़्यादा लगे तो मैं इससे भी कम फीस रख दूंगा, आप लोग नीचे उसको भी कमेंट कर सकते हो, मुझे फी का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे फोकस लोग चाहिए जो फोकस होके पढ़ सकें। और एक चीज़ और यार, जो लोग डिसलाइक करते हैं वीडियो को, मतलब बहुत कम 1-2 लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कमेंट करके बता दो कि सर ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से हम डिसलाइक कर रहे हैं। क्योंकि देखो यार, नो वन इज परफेक्ट, मैंने आपको कितने कितने ऑनेस्ट के साथ बोला कि यार मैं अभी जा रहा हूँ कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तब मैं सिलेबस बनाऊंगा पढ़ाने के लिए, इतना ऑनेस्ट के साथ मैं बोलता हूँ। सो मुझे चाहिए कि आप कमेंट करके बता दो कि सर इस वजह से मैं डिसलाइक कर रहा हूँ, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ यार, जिससे कि सब लोग परफेक्शन तो कोई सीख से अंदर होता नहीं है। थोड़ा सा बुरा लगता है कि 30 लोग हमारा वीडियो को लाइक कर रहे हैं और 1 लोग पता नहीं कौन है डिसलाइक कर रहे हैं। तो नीचे कमेंट करो यार, ये मतलब छुप छुप के मत जाया करो कि मतलब आए और डिसलाइक करके चले गए, रीज़न बता दो सो दैट हम इम्प्रूव कर सके। हो सकता है वॉइस, हो सकता है नॉलेज नहीं हो भाई, मतलब मैंने कहा था मैं बहुत बड़ा परफेक्ट हूँ, ठीक है मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ, और क्या बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट है, हॉबी है तो मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। सो बताइए फटाफट जो जो भी इंटरेस्टेड है, अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको फाइनल अपडेट बता दूंगा किस डेट से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा टाइम है, ऑफिस जाने से पहले का मैं टाइम कोशिश करूंगा कि आपके लिए निकाल सकूँ। और मनी डजेंट मैटर फॉर मी, जस्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट कॉन्टेक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर सबको पता है 9792621121 पे, लेकिन तुरंत रिप्लाई का एक्सपेक्ट मत करना, आपको ही पता है कि तुरंत नहीं हो पाता यार, बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर रिप्लाई करूंगा सबको। और सिलेबस में अगर आप चाहिए तो मैं सिलेबस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। यार कोशिश करो उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना इतने एनर्जी के साथ कि जितने मैं ऑनेस्ट के साथ पढ़ाना चाहता हूँ आपको, इतने कम फी में इतना सारा कंटेंट मैं आपको देना चाहता हूँ, तो इसमें बस एक हेल्प चाहिए आपसे कि इस वीडियो को आंख बंद करके जितने लोगों तक से, आंख बंद मत करना मतलब जितने लोगों तक व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट करवा सकते हो पहुँचा दो, उनको तो बस शेयर कर दोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और साथ ही साथ मेरा जो दूसरा चैनल है वो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आकाश पांडे ब्लॉग, उस पर तो मैं ऐसे ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि बिलीव करो, अगर एक भी ओपनिंग निकली, अभी ओपनिंग की प्रॉब्लम चल रही है, एक भी ओपनिंग निकली तो सारा मैं उधर शेयर करने वाला हूँ कि ये ओपनिंग निकली हुई फटाफट आ जाओ। और भी बहुत से कंटेंट ऐसे मैं शेयर करने वाला हूँ जो कोई भी अभी तक अपन का काम क्या है यूनिक तो कोई भी तक शेयर न किया हो, ऐसे ऐसे नॉलेज में इंडस्ट्री के छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसा बताऊंगा, आप खुद का बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, चुटकी में चलाओगे खुद का बिजनेस। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस में जो भी मैंने सीखा है उस चैनल पर मैं शेयर करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ जुड़िए उस चैनल पर भी। जय हिंद जय भारत।